जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। उनके सामने अर्थव्यवस्था को दोबारा गति देने की चुनौती है। भविष्य को आर्थिक तौर पर सुरक्षित रखने के लिए हर किसी को निवेश करना चाहिए। वहीं कुछ निवेश में होने वाले मुनाफे पर भी टैक्स लगाया जाता है। ऐसे टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, जो कि किसी निवेश पर ब्याज के तौर पर या मुनाफे के तौर पर मिलता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी, सोना या शेयर में निवेश किया है, तो ऐसे में उससे मिलने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। कैपिटल गेन टैक्स को दो भागों में बांटा गया है, पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वहीं दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो क्या होता है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, आइए आपको बताते हैं। शेयर या किसी म्यूचुअल फंड में लगाया गया पैसा एक साल से पहले ही निकालने पर 15% टैक्स लगेगा। ये टैक्स सभी टैक्स स्लैब वालों पर ही लगता है। ये टैक्स 0 से लेकर 30% टैक्स स्लैब वालों पर बराबर ही लगाया जाता है। ऐसे में शेयर या म्यूचुअल फंड से हुए मुनाफे का 15% टैक्स चुकाना होगा। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 2018 से पहले एक साल तक अगर आपने कुछ नहीं बेचा तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2018 के बाद इसमें बदलाव हुए और पहले साल 1,00,000 रुपए तक के मुनाफे पर टैक्स नहीं है। वहीं मुनाफा 1,00,000 से अधिक होने पर 10% टैक्स लगेगा। किसी भी चल या अचल संपत्ति पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। 2018 से ये टैक्स स्टॉक मार्केट पर लगाया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग होती है। न्यूज डेस्क।